बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 आपसे शेयर करने जा रहे हैं। शो दैट जेड इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस आयोटा, सेटिस्फाई दी फॉलोइंग दिस इक्वेशन। तो अब आप देखें, पहले हम जेड को ले लेते हैं 1 प्लस आयोटा और यहाँ पुट कर देते हैं सेक्स इक्वेशन में, विच इज़ जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 इक्वल टू 0। और जेड की जगह जेड की 1 प्लस आयोटा पहले ले लेते हैं वैल्यू और पुट कर देते हैं इक्वल टू 0। ये ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये हो गया माइनस 2 1 2 माइनस 2 आयोटा और प्लस 2 इक्वल टू 0। ये प्लस आया 2 आयोटा, ये माइनस 2 आयोटा कैंसिल, ये प्लस 1 माइनस 2 और प्लस 2 कैंसिल, तो ये बच गया 1 प्लस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 0। आयोटा स्क्वायर माइनस 1 की इक्वल होता है, द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, तो ये भी आपके पास 0 हो गया। तो पहला हिस्सा क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया कि अगर जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा हो और यहाँ पुट करे तो ये इक्वेशन 0 की इक्वल होती है। अब हम क्या कंसीडर करने जा रहे हैं, अब हम कंसीडर करने जा रहे हैं जेड इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। तो नाउ इन द सेम सिचुएशन वैल्यूज को पुट कर देते हैं जेड की जगह, जेड की वैल्यू 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 2 1 माइनस आयोटा प्लस 2 इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस 2 आयोटा माइनस 2 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 इक्वल टू 0। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिए यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब देखें स्टूडेंट्स, ये प्लस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा कैंसिल, ये आपका प्लस 2 माइनस 2 से कैंसिल हो गया और यहाँ पर एक में आयोटा स्क्वायर लिखना भूल गया, तो ये हो गया 1 प्लस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर 0 की 1 माइनस 1 की इक्वल होता है, यह हमने रेफरेंस दिया हुआ है, तो ये भी आपके पास 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर यहाँ मौजूद है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस 1 होती है, ये हम चूंकि ऑलरेडी रेफरेंस दे चुके हैं, तो देयर इज नो नीड टू गिव अनदर रेफरेंस हियर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जेड इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस आयोटा जो है इसको सेटिस्फाई करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द कॉन्जुगेट एंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला पार्ट हम ले लेते हैं इसका, 5 प्लस 4 आयोटा हम लेट कर लेते हैं कि ये जेड की इक्वल है, 5 प्लस 4 आयोटा कह रहा है इसका कॉन्जुगेट निकालने और फिर उसके एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने। हमने इसी एक्सरसाइज के पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर में जब लिखते हैं तो आयोटा नहीं लिखते और मॉडुलस, अच्छा फिर इसका चलें पहले कॉन्जुगेट निकाल लें फिर मॉडुलस बना लें, तो ये हो गया। कॉन्जुगेट का मतलब होता है यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट देयर। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि कॉन्जुगेट जो है आम हालात में कॉन्जुगेट का मतलब होता है सेकंड नंबर का की साइन चेंज करना, लेकिन जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करना, चाहे वो पहली पोजीशन में लिखा हो या दूसरी पोजीशन में लिखा हो, ठीक है, ये ख्याल रखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्जुगेट इन कॉम्प्लेक्स नंबर ये ऑर्डिनरी कॉन्जुगेट नहीं कहलाता, बल्कि इसका मतलब होता है कि यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट वेदर इट इज़ इन द सेकंड पोजीशन वेदर इट इज़ इन द फर्स्ट पोजीशन। तो ये हो गया प्लस 4 आयोटा था तो ये हो गया माइनस 4 आयोटा। फिर आप इसका ऑर्डर पेयर बना लें और फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्स है, ये वाई है, सो दिस इज 25 प्लस 16 किसकी इक्वल हो गया 6 प्लस 5 11 2 1 3 और 4 41 की इक्वल हो गया, ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी आ गई। आइए इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, हमने इसके चार पार्ट सेलेक्ट किए हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट, सेम क्वेश्चन सेम एक्सरसाइज,
1.1। अब इसका हमने क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेना है। तो अब आप देखें ये लिखा हुआ है रेडिकल 3 आयोटा, इसका मतलब है कि देर इज़ नो रियल नंबर, तो हम इसको पे यूँ लिख सकते हैं 0 प्लस रेडिकल 3 आयोटा। अब इसका आपने कॉन्जुगेट लेना है, तो मैंने क्या बताया आपको कि कॉन्जुगेट मीन्स यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ इमेजनरी पार्ट वेदर इट इज़ इन फर्स्ट पोजिशन और इट इज़ इन सेकेंड पोजिशन। तो ये आपके पास इसका कॉन्जुगेट आ गया। अब इसको ऑर्डर पे हमें लिखेंगे, तो पहले वाले हिस्से में रियल पार्ट निकलते हैं, दूसरे वाले हिस्से में इमेजनरी पार्ट लिखते हैं। तो फिर इसका हम मॉडुलस निकाल लेते हैं, दैट इज़ एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर हो गया, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो ये आपके पास आ गया माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, रेडिकल 3 आपके पास इसका आंसर। अब आइए इसके अगले पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगेन हमें इसका कॉन्जुगेट निकालना है और फिर इसको हमने मॉडुलस निकालना है। तो इसका मतलब पहले इसको हमें सिंपलीफाई करना पड़ेगा। तो पहले तो हम लेट कर लेते हैं कि जेड की इक्वल है, कोई स्टेप डायरेक्ट नहीं करते, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इज़ हेयर 25, 2 5s are 10, 40 आयोटा, हेयर 16 आयोटा स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हो गया 25 माइनस 40 आयोटा प्लस 16 आयोटा स्क्वायर, जो है वो किसकी इक्वल होता है, माइनस वन के। आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, माइनस वन के। तो ये हो गया 25 माइनस 40 आयोटा माइनस 16, तो आप देख रहे हैं कि ये हो गया माइनस 40 आयोटा, ये हो गया आपके पास 9 माइनस 40 आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस 40 आयोटा। फिर हम इसको यहीं पर लिख देते हैं ऑर्डर पेयर में, तो इसका मॉडुलस आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया डियर स्टूडेंट्स 9 9s are 81, 4 4s are 16 100, और ये आपके पास इसका कॉन्जुगेट आ गया 16 81। रेडिकल निकल सकता है तो निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसके अगले पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सेम क्वेश्चन, लास्ट पार्ट। तो अब देखिए, इसका कॉन्जुगेट निकालने का मतलब ये होता है कि पहले क्वेश्चन को आपने सिंप्लीफाई करना है, जिसमें रियल अलग हो जाए, इमेजिनरी अलग हो जाए, फिर उसका हम कॉन्जुगेट लेंगे और फिर उसका मॉडुलस ले लेंगे, ठीक है। तो लगे आ तो जेड आप लेट कर लीजिए। अब ये दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं और कोई स्टेप डायरेक्ट नहीं करते, ताकि आप इसको बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास 3 प्लस आयोटा आ गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हो गया आयोटा, और ये 2 आयोटा है तो 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज 3 प्लस आयोटा, रियल रियल के साथ प्लस हो जाता है, तो 2 प्लस 1 ये हो गया 3 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर चूंकि माइनस 1 की इक्वल होता है, बाद में इसको हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस आयोटा। अब नीचे चूंकि कॉन्जुगेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं कॉन्जुगेट से, ताकि एक स्टेप बच जाए। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 2 प्लस 1 कितना बचेगा, माइनस 2, ये हो गया 3, और ये हो गया 3 माइनस आयोटा, और डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा और 3 माइनस आयोटा, ताकि हमारे पास नीचे से डिनोमिनेटर से कॉम्प्लेक्स नंबर को रेशनलाइज करना है, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं, दोबारा वही काम करते हैं, 3 माइनस आयोटा और 3 माइनस आयोटा से दोबारा ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर में a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बन जाएगा। ये हो गया डियर स्टूडेंट्स प्लस आयोटा 9 आयोटा एंड 3 आयोटा स्क्वायर, और नीचे हो गया 9 माइनस आयोटा स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ गया, रियल को रियल के साथ सॉल्व कर लेते हैं, ये माइनस 3, 9 प्लस 1
10 आयोटा हो गया, माइनस 3 अपनी जगह रहेगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस 1, ऊपर भी पुट कर दिया और नीचे से भी पुट कर दिया, आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1। तो अब आप देख रहे हैं कि ये आपके पास आ गया माइनस 3 प्लस 10 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 और नीचे भी माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो ये 3 में से 3 निकल गया तो ये आपका कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया 10 आयोटा और नीचे बच गया 10, 9 प्लस 1, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो अब आपने देखा कि हमारे पास बच गया आयोटा और इसको हम यूँ लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा, तो फिर इसका कॉन्जुगेट क्या होएगा, 0 माइनस आयोटा। फिर हमने इसको ऑर्डर पेयर में लिख दिया और फिर इसका हम मॉडुलस कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया रेडिकल 1 और रेडिकल 1 जो है वो 1 के इक्वल होता है। ये हमारे पास लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 6 का। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, द सेम सिचुएशन विच वी हैव डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। तो ऑलमोस्ट थीम वही है हमारे पास, तो आज सिंप्लीफाई करना है और रियल इमेजिनरी को अलग अलग करना है। तो अब देखें 2 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 6 आयोटा हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 5 10 आयोटा स्क्वायर। तो अब ये हो गया आपके पास 6 आयोटा और माइनस 10 आयोटा स्क्वायर, चूँकि माइनस 1 की इक्वल होता है तो यहीं लगे हाथों इसको लिख देते हैं 6 आयोटा प्लस 10 और इसकी आप तरतीब बना दीजिए। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 प्लस 6 आयोटा। आप चाहें तो इसका ऑर्डर पेयर लिख लें 10, 6, तो 10 जो है इसका रियल पार्ट है और 6 जो है ये इसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट। अब आइए इसका सेकंड पार्ट भी यहीं पे इसका डिस्कस कर लेते हैं। अब चूंकि यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको जो दिया हुआ है उसमें डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, तो हमने रूल आपको क्या बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा तो आपने उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके डिनोमिनेटर से रेशनलाइज कर लेना है। तो ये हो गया रेडिकल 5 माइनस आयोटा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, माइनस से तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। ये तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया यहाँ पर, तो ये हो गया रेडिकल 5 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में बन गया फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास ऊपर फार्मूला बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर, डायरेक्ट नहीं करते, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में डायरेक्ट ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 5 माइनस आयोटा स्क्वायर। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हो गया रेडिकल स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास बच गया 5, ये हो गया 2 रेडिकल 5 आयोटा और ये आयोटा स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाय 5 माइनस आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर तो माइनस 1 की इक्वल होता है, तो ये हो गया 2 रेडिकल 5 आयोटा माइनस 1 माइनस 1, बिकॉज आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल है, माइनस 1 की इक्वल है। तो ये दोनों रियल हो गए, तो 5 में से 1 को माइनस कर लिया तो ये आपके पास 4 बच गया और आप देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। तो अब इसका आप एलसीएम को ब्रेक कर दें तो ये हो जाएगा 4/6, क्यों, इसलिए कि रियल और इमेजिनरी अलग अलग करना है। तो ये हो गया 2 2 4, 2 3 6, 2 3 6, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स 2/3 प्लस रेडिकल 5/3 आयोटा आ गया। आप चाहें तो इसको ऑर्डर पेयर में लिख दें, ये हो गया रियल पार्ट और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ जेड आपको दिया हुआ है एक्स प्लस आयोटा वाई। क्वेश्चन में कह रहा है कि रियल नंबर ऑफ जेड इज 0 एंड द मॉडुलस ऑफ जेड इज 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड है। तो अब आप देखें कि रियल नंबर ऑफ जेड जो है वो 0 है, दैट मींस एक्स कंपोनेंट क्या है, 0, और मॉडुलस ऑफ जेड आपको दिया हुआ है दैट इज
इक्वल्स टू टू, तो z किसकी इक्वल होता है मॉडुलस ऑफ z, रेडिकल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये मॉडुलस तो आपको दिया हुआ है 2, x आपको दिया हुआ है 0, ये बच गया y स्क्वायर, ये आपके पास बच गया y स्क्वायर इन द रेडिकल इक्वल्स टू 2, तो y आपके पास आ गया 2 और माइनस 2 भी हो सकता है, क्योंकि आप प्लस या माइनस दोनों होगा। तो y की वैल्यूज आपके पास आ गई 2, तो अब इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 आयोटा। क्यों? इसलिए कि y जो है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट है, और x क्या है, रियल पार्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि z की वैल्यू क्या हो गई, x प्लस आयोटा वाई, एक्स आपके पास 0 है और y आपके पास ये है, तो ये मेरे पास z की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2 आयोटा, ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म। अब देखिए ये दिया हुआ है x कॉमा वाई और 2, 3, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझा जाएगा ये। तो पहले तो आप इसको आयोटिक फॉर्म में लिखें, जब इसकी ज़रूरत होगी तो इसको लिख लेंगे, और इसको अब आप मल्टीप्लाई कर दें, एंड दिस इज़ द ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है, तो ये हो गया 2 + 3 आयोटा, जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो कर लेंगे, नहीं पड़ेगी तो डायरेक्ट इक्वेट हो जाएगा। इस पर आपने बस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 2x और ये हो गया 3x आयोटा, ये हो गया 2y आयोटा और ये हो गया 3y आयोटा स्क्वायर माइनस 4, 7। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये हो गया 2x, ये हो गया 3x प्लस 2y, आयोटा कॉमन ले लें, और आयोटा स्क्वायर चूँकि माइनस 1 की इक्वल होता है तो माइनस प्लस माइनस 3 बन जाती है, तो डायरेक्ट लग देते हैं इसको। अब रियल को रियल के करीब कर लें, ये हो जाएगा आपके पास। अब देखिए ये टोटल रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी है, तो इसको मैं अगर ऑर्डर पे मैं लिखूंगा तो इसको यूं लिखूंगा, x माइनस 3y कॉमा 3x प्लस 2y इक्वल्स टू माइनस 4, 7। अब दो ऑर्डर पेयर जब आपस में इक्वल हों तो फर्स्ट कंपोनेंट विल बी इक्वल टू द फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड की इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 7, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दो इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए आगे चलते हैं इसमें। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपके पास एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। कि अब यहाँ से x निकाल के यहाँ पुट कर दे y आ जाएगा, y को यहाँ पुट कर दे x आ जाएगा, या इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, दोनों एक जैसे हो जाएंगे, माइनस कर दे तो भी आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो जो मेथड आपको ईजी लगता है आप उसको कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड नॉर्मली स्टूडेंट्स को इजी लगता है, तो आइए हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेते हैं। ये माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा, ये मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई, तो वी हैव टू पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। तो इट्स अप टू यू कि जो आपको मेथड आसान लगता है उस मेथड को यू कैन अप्लाई देयर। तो x की जगह x की वैल्यू पुट कर देते हैं, प्लस 2y इक्वल्स टू 7। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो एलसीएम ले लेते हैं इसका, ये हो जाएगा 2, 3 अपनी जगह रहेगा, क्रॉस मल्टी वाली टेक्निक अप्लाई करनी है, 2 × 2 = 4y। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स 12, 3 × 3 = 9 एंड 4y, ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 9 + y कितना हो गया आपके पास, 13 हो गया, ये हो गया 14 और ये प्लस 12, माइनस 12 इधर आकर प्लस 12 हो जाएगा, तो ये हो गया आपके पास 26, 13 × 2 = 26। तो आप देख रहे हैं कि y की वैल्यू आ गई।
सो वी हैव टू पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर वन. तो इसको हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ एक्स की वैल्यू आ जाएगी. तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6. ये हो गया 2, तो x की वैल्यू आ गई 1, 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन का आंसर आ गया 1, 2. दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट. आइए इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो अब इस पे देखें a प्लस बी होल स्क्वायर. तो पहले फार्मूला लगा देते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. स्क्वायर नहीं था और ये हो गया 2y iota. तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, 2 × 3 = 6 एक्स आयोटा. ये हो गया 9 iota square, 2y iota अपनी जगह रहेगा. तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये हो गया 6x iota. ये हो गया -9, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल होता है, तो -1 - -9 = 9. अब ये आपको 2y iota है, तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ 0, 2y, क्योंकि रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है 2y. रियल पहले लिखते हैं, इमेजिनरी बाद में लिखते हैं. यहाँ पर भी सिचुएशन सेम है, तो थोड़ा अलग कर लेते हैं और फिर इसको भी ऑर्डर पे हमें लिख के इसको हम इक्वेट कर देते हैं. तो ये हो गया एक्स स्क्वायर -9 कॉमा लगा दें और ये हो गया 6x. अब देखें एक्स स्क्वायर -1, 9 ये रियल नंबर है और 6x ये क्या है, इमेजिनरी है. इक्वेट कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर -9 = 0 और 6x = 2y. तो यहाँ से x² = 9, तो x की वैल्यू आ गई +-3. यहाँ पुट कर देते हैं इसको तो ये हो जाएगा 6x की जगह हमने लिख दिया +-3 = 2y. 2 × 3 = 6 +-9. तो आप देख रहे हैं कि y की वैल्यू आ गई, तो एक्स वाई हमारे पास आ गया +-3 + -9. तो इस तरह से इसका रिजल्ट हमारे सामने आ. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, पहले हम कर चुके हैं. ये हो गया -5 + 2 iota. आप इसको ऑर्डर पे में लिख दीजिए तो ये हो जाएगा इसका मॉडुलस -5² + 2² तो ये हो गया आपके पास 25 + 4 और ये हो गया आपके पास रेडिकल 29. इसका आंसर आ गया. अब आइए इसका सेकंड पार्ट ले लेते हैं. दैट इज़ इक्वल्स टू 7/3, 8/3. तो ये x हो गया, डायरेक्ट निकाल लेते हैं तो ये हो गया 7/3 का स्क्वायर, 8/3 का स्क्वायर. सो दिस इज़ हेयर 49/9, 64/9. तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया 9 आ गया, 49 + 64 इन द रेडिकल. तो ये हम इस पर लिख लेते हैं 9 + 4 = 13, 13 + 6 + 4 = 10, 11/3. ये इसका आंसर. डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक आपके साथ क्वेश्चंस को डिस्कस किया, बहुत ही आसान पैराए में एक्सप्लेन किया है. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. मैं फिर यासिर इरफान, दो हम याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.